नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हाउस गार्डनिंग पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हार्वेस्टिंग अपनी मूंगफलियों की, जो कि हमने पहली बार अपने गार्डन में मूंगफली के पौधे लगाए थे। और आप यहां देख सकते हैं, काफ़ी हेल्दी यहां पर प्लांट आपको दिख रहे हैं। ये मूँगफली जो है यहाँ पर थोड़ी लेट भी हो गई है अभी हार्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जब बारिश हुई थी अभी 9-10 तारीख में, वहाँ पे मैं जो है इसको हार्वेस्ट नहीं कर पाया। तो चलिए, अब मैं इसको हार्वेस्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज हम अपनी मूँगफलियों की हार्वेस्टिंग, आप यहाँ देख रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये बहुत ही हेल्दी प्लांट आपको मूँगफलियों को दिख रहे हैं। हालांकि कुछ प्लांट मेरे ख़राब हो गए बारिश की वजह से, और कुछ जो मूँगफली हैं वो रीग्रो भी हो गई हैं। यहाँ देखिए, ये थोड़ी जो मूँगफलियाँ हमारी पूरी हुई तरह से हार्वेस्ट नहीं हो पाई थी, मैं इनको हार्वेस्ट नहीं कर पाया। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए मूँगफली आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैंने इसको हार्वेस्ट नहीं किया तो फिर ये दोबारा से रीग्रो होने लग जाएगी कुछ इस तरह से। तो चलिए, देर न करते हुए करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग। सबसे पहले इसमें जो ग्रो बैग में मिट्टी को हम ढीला करेंगे कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पे आपको दिखा पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिट्टी को पहले हमें ढीला करना है इस तरह से, टूल्स की मदद से भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं इनको धीरे धीरे से हिला हिला के निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरह की मूंगफलियाँ लग रही। ये देखिए आप दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, कुछ मूँगफलियाँ पहले ही रीग्रो हो चुकी हैं तो कुछ बची हुई हैं। ये इस तरह की मूँगफलियाँ मेरी इसमें से हार्वेस्ट हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह की मूँगफलियाँ हमें अपने इस ग्रो बैग में से मिली हैं और हेल्दी भी हैं। लेट हो जाने की वजह से ये रीग्रो हो गई। तो ये जो मूंगफली हैं, ये मैंने लगाई थी अप्रैल मई में। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं मालूम किस तरह से इसकी देखभाल की जाती है सबसे पहले। तो अगर आप भी अगली बार अपने गार्डन में मूंगफली ज़रूर लगाएं। हालांकि मुझे थोड़ी ही मूंगफली यहाँ से मिली है, ये देखिए, अगर मैं इसको नहीं तोड़ता तो ये फिर से रीग्रो हो जाती। कुछ इसी तरह की मेरी काफ़ी मूँगफलियाँ रीग्रो हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये कुछ मूँगफलियाँ मिली हैं। तो चलिए, इनको कर लेते हैं हम, इनकी जड़ों से रूट से अलग कर लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, कुछ मूँगफलियाँ किचन गार्डन से मिली हैं। आप भी इस तरह की मूँगफलियाँ लगा सकते हैं। हालांकि मैं इनको कैसे सीड्स के रूप में इनको बचा के रखूँगा और अगली बार मैं और ज़्यादा जो क्वांटिटी में लगाऊँगा वहाँ से मुझे अच्छी मूँगफलियाँ देखने को मिलेंगी।
तो आप इनको सुखा के अच्छे से और पॉली बैग में रख लीजिए, आपके सीड्स जो हैं अगले सीजन के लिए बचे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिख कर भेजिए, और मेरी इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग।